हाय एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल के सीआई टैली स्पेशलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरे टैली ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है जीएसटी लेजर क्रिएशन इन टैली। टैली में हम जीएसटी का लेजर कैसे, जीएसटी से रिलेटेड लेजर्स हम कैसे बनाते हैं, वो सब कुछ आज इस क्लास में देखेंगे। इस क्लास को देखने से पहले आप हमारी पिछली वीडियोज़ जो जीएसटी से रिलेटेड हैं उसको आप ज़रूर देख लें, चूँकि वो वीडियोज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उसमें दो वीडियोज़ मैंने बना रखे हैं, एक स्लाइड प्रेजेंटेशन बेस है और एक थेरेटिकल है। कंप्लीट वीडियो अगर आप देख लेते हैं पिछली, तो आपको जीएसटी से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज होंगी सारी क्वेरीज आपकी क्लियर हो जाएंगी, सारे सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। उसमें हमने कंप्लीट जीएसटी की हिस्ट्री से लेकर के जीएसटी क्या है, जीएसटी के प्रकार कितने होते हैं, जीएसटी के स्लैब रेट्स क्या हैं, किस पर हमें जीएसटी देना है, किसको जीएसटी देना है, वो सारा कुछ हमने उस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो वीडियोज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहां से उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तथा आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपसे फिर से कहना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो अभी कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, तो हमारी वीडियोस को आप शेयर जरूर करें, क्योंकि ये टैली की क्लास कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको कोई भी पढ़ सकता है। तो जितने लोगों के पास आप इसको शेयर करेंगे उतने लोगों का लाभ इससे होता रहेगा। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और टैली में कंप्लीट जीएसटी, जीएसटी को एक्टिवेट करने से लेकर के जीएसटी से रिलेटेड लेजर्स हम कैसे बनाते हैं वो सारा कुछ हम टैली में करके देखेंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और सारा कुछ प्रैक्टिकल करके देख। एवरीवन, तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। आप देख पा रहे हैं गेटवे ऑफ टैली के मेन मेन्यू पर हम हैं। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आज का मेरा जो टॉपिक है, टैली में हम जीएसटी का लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, हम जीएसटी को एक्टिवेट करके परचेज सेल्स का लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, वो सारा कुछ मैं आज इसमें आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे फर्स्ट हम करते क्या हैं, हम चलते हैं सेटिंग को एक्टिवेट करते हैं। पहले जीएसटी को हम एक्टिवेट करेंगे, उसके लिए हम फीचर्स पर जाएंगे, हम बटन बार पर जा करके क्लिक करें या फिर हम F11 प्रेस कर दें। आप देख पा रहे हैं गेटवे ऐप टैली में कंपनी फीचर्स, उसके अंतर्गत आपका अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स, जस्ट थर्ड पर है आपका स्टेटरी एंड टैक्सेशन। इसमें यस को हम क्लिक कर देंगे तो स्टेटरी एंड टैक्सेशन ओपन हो जाएगा, बिकॉज हम टैक्सेशन वर्क कर रहे हैं, जीएसटी एक टैक्स है और टैक्स की एंट्री हमें करना है, उससे रिलेटेड लेजर्स हमें क्रिएट करने हैं। तो हम स्टेटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स पे आ गए हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस में बताया हुआ है जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, शॉर्ट में इसे जीएसटी कहते हैं। यहाँ से हम यस करेंगे जीएसटी को, सेटिंग को यहाँ से यस करके एक्टिवेट ओके करेंगे। यहाँ से जीएसटी को हमने यस कर लिया। नेक्स्ट है आपका सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद उसका जो रजिस्ट्रेशन डिटेल होता है वो सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में हम फिल करते हैं, तो हम यहाँ पर यस कर लेते हैं। हमने इसमें पहले से जीएसटी डिटेल भर रखा है, आप देख पा रहे हैं मेन है जीएसटी डिटेल, आपका कंपनी जिस स्टेट से बिलोंग करता है, जिस स्टेट में आपकी कंपनी है वो आप यहाँ चुनेंगे, उत्तर प्रदेश हो गया। रजिस्ट्रेशन टाइप में आप देख पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन में एक कंपोजिशन है और एक रेगुलर है, हम रेगुलर करते हैं। कंपोजिशन वो होता है जो टाइमली अपना रिटर्न नहीं भरते हैं उन्हें कंपोजिशन में डालते हैं, और जो अपना रिटर्न टाइमली भरते हैं उन्हें रेगुलर मोड में डालते हैं। नेक्स्ट एंटर करके हम नीचे आते हैं, आप देख पा रहे हैं एसएससी ऑफ अदर टेरिटरीज, आप जानते हैं कि जो आपका यूनियन टेरिटरीज होता है उसके लिए आपका UTGST यूज़ किया जाता है। तो यदि हम UTGST ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जो यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। हम नीचे आ जाते हैं, GST एप्लीकेबल फ्रॉम, जो GST टैक्स है आपका वो कब से एप्लीकेबल हो रहा है वो हम यहाँ पर सेट करते हैं। तो चूंकि मेरी कंपनी मैंने बनाया हुआ है 1 अप्रैल 2020, तो हम इसको मान रहे हैं। इसमें जो आप एप्लीकेबल फॉर्म करेंगे 1 जुलाई 2017 के बाद का करेंगे, जैसे आप पुराने वर्जन्स पर प्रैक्टिकल कर रहे हो तो आप उसमें जो एप्लीकेबल फॉर्म करेंगे वो 1 जुलाई 2017 के बाद ही करेंगे। तो हम यहाँ पर 1 अप्रैल 2020 डाल दे रहे हैं, एंटर करके नीचे आते हैं या हम एरो की से नीचे आ सकते हैं। आप देख पा रहे हैं GST, मैंने हमारी पिछली वीडियो जो है हमने जीएसटी पर बनाया हुआ है, पिछली वीडियो व्हाट इज जीएसटी, उस वीडियो को आप जरूर देख लें, उसमें मैंने क्लियर जीएसटीन के बारे में भी बताया है। तो जीएसटीन होता है
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिटी नंबर और आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूएन मतलब यूनियन टेरिटरी आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो यहाँ पर जो जीएसटी हम कैसे डालते हैं वो मैंने बताया हुआ था कि इसमें पैन कार्ड नंबर होता है कंपनी का, एंटिटी नंबर होता है जेड, और श्रम डिजिट्स आ जाती हैं। तो यहाँ हमने जीएसटी डाल दिया। हम नीचे आ जाते हैं, जीएसटी को वेरीफाई करने के लिए एक अलर्ट आ रहा है, पीरियड सिटी ऑफ जीएसटीआर। मैंने बोला था जीएसटीआर का मतलब मैंने आप लोगों को बता रखा है पिछली वीडियो में, जीएसटी रिटर्न्स के लिए होता है। तो हम मंथली करते हैं, जो मंथली या क्वार्टरली एक फिक्स टाइम से करते हैं उसे हम रेगुलर डीलर में रखते हैं, तो हम यहाँ मंथली कर लेते हैं। ई बिल एप्लीकेबल अगर हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको हम यहाँ पर यस कर लेते हैं। एप्लीकेबल फ्रॉम जो ई बिल एप्लीकेशन एप्लीकेबल आपका, ई बिल एप्लीकेबल आपने कब करा है, 1 अप्रैल 2020 से। अगर आप इसको नॉट एप्लीकेबल कर लेंगे तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जा करके जमा करना होगा। अगर यहाँ से करके रखते हैं आप तो ऑनलाइन आप टैक्स रिटर्न फिल करते हो। नीचे हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्लूड, जो एक वैधता होती है, जो एक वैलिडिटी होती है। तो हम किस पर जो एक लिमिट इंक्लूड होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि किनको किनको आपको जीएसटी भरना होता है हमारी पिछली वीडियो, इसलिए मैं बार बार पिछली वीडियो का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि वो वीडियो यदि आप देख लेते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम टैक्सेबल गुड्स वैल्यूज करते हैं, चूँकि हमें आपको लेजर्स अभी बताना है और उसमें हमें टैक्स एप्लीकेबल करके बताना है, इसलिए हम टैक्सेबल गुड्स वैल्यू कर लेते हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट, यहाँ जो उसकी वैधता लिमिट होती है वो हम यहाँ पर 50,000 ही डाल दे रहे हैं एज एग्जाम्पल, बट मैंने उसमें कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया है। यहाँ से इंटर स्टेट के लिए और इंट्रा स्टेट के लिए दोनों चीज़ है, इंटर स्टेट के लिए क्या है और इंट्रा स्टेट के लिए क्या है। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट को भी मैंने पिछली वीडियो में बड़ा क्लियरली बताया हुआ है, तो पिछली वीडियो जरूर देख लें आप लोग। अगर आप पिछली वीडियो पहले देख लेंगे और फिर इसको देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं इनेबल टैक्स लाइबिलिटीज एंड एडवांस रिसिप्ट, जो लाइबिलिटीज, जो टैक्स लाइबिलिटी, चूंकि टैक्स जो है वो करंट लाइबिलिटीज का ही सब ग्रुप है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत हम सारे टैक्सेस को रखते हैं, अभी मैं लेजर में आप लोगों को बताऊंगा। तो इसे हम अगर एडवांस रिसिप्ट हमें प्राप्त करना है लाइबिलिटी का तो हम यहाँ पर यस करके रखते हैं। हम इसको सब करके नीचे चले आते हैं, मेन जो है हमारा सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल। यदि हमें यही जीएसटी का रेट डिटेल फिक्स कर देना है तो हम यहाँ पर यस करते हैं। जीएसटी रेट डिटेल ये हम तब फिक्स करते हैं जब कंपनी हमारी किसी एक ही टाइप के प्रोडक्ट पर वर्क करती है या किसी ऐसे प्रोडक्ट पर वर्क करती है जिसका स्लैब रेट कोई 1% जैसे मैंने यहाँ 12% डाल रखा है, जैसे स्लैब रेट 12% मान लीजिए मेरा वर्क है कंप्यूटर का है, मोबाइल का, टेलीकॉम से रिलेटेड, तो हम 12% पर काम करते हैं। तो यदि हम यहाँ सेट कर देते हैं तो जब हम कोई भी लेजर बनाएंगे तो उसमें बाय डिफॉल्ट सेट होकर के आ जाएगा, बट यहाँ पर हम सेट नहीं करते हैं, यहाँ पर हम सेट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ नो कर देते हैं। जिस इट मींस आइटम के अकॉर्डिंग हमें रेट निर्धारण करना है जो उसका टैक्स रेट स्लैब रेट है। हम यहाँ से चलते हैं, आप देखें इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन यस, यदि हम हमें गुड्स नेचर डालना है, सेटिंग में गुड्स नेचर डालना है तो हम यहाँ पर यस करते हैं, करना चाहे करें, नहीं तो हम यहाँ पर नो कर लें। अगर हमें गुड्स नेचर डालना है तो हम यहाँ पर यस करते हैं, अन्यथा इसको हम नो करके नीचे आ जाते हैं। आप देख पा रहे हैं प्रोवाइड एलयूटी और बॉन्ड डिटेल्स, एलयूटी मतलब होता है लेट लेटर अंडरटेकिंग, और बॉन्ड जो आपको मिलता है उसका कंप्लीट डिटेल यदि आपको फिलअप करना है तो यहाँ पर आप इसको यस करेंगे। हम यहाँ से क्या करते हैं, एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं, या फिर हम एंटर करके एक्सेप्ट करें या फिर हम कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर देंगे, हमारी सेटिंग सेव हो जाएगी। एंटर करते हुए आएंगे, हम यहाँ अपने कंपनी का पैन नंबर डाल देते हैं, हमने डाल दिया पैन कार्ड नंबर। एंटर करते हुए हम कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर यदि डालना चाहे तो डालें, नहीं तो हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपने देखा कि हमने जीएसटी को इनेबल करा, जीएसटी को हम टैली में कैसे एक्टिवेट करते हैं कंप्लीटली आपने देखा। अब हम चलते हैं लेजर हम कहाँ से क्रिएट करते हैं। हमने पिछली बहुत सारी ऐसी क्लासेस बनाई हुई हैं लेजर से रिलेटेड जिसमें लेजर क्रिएशन कंप्लीट बताया गया है, बट यहाँ जीएसटी एक टैक्स लेजर है तो उसको हमें यहाँ बताना है। हमने आप लोगों को मास्टर कैसे क्रिएट करते हैं वो सारी पिछली वीडियोस में मैंने बता रखा है, मैंने स्टेप बाय स्टेप वीडियोस डाले हुए हैं। प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी सारी क्लासेस के लिंक होते हैं, वहाँ से जा करके जो भी आपको वीडियो प्राप्त करना है वहाँ डिस्क्रिप्शन से उस लिंक के द्वारा आप
प्राप्त कर सकते हैं। देख पा रहे हैं गेटवे ऐप टैली के अंतर्गत मास्टर है, मास्टर में हम अकाउंट्स इन्फो पर चलते हैं, यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं, ए प्रेस करें या फिर हम क्लिक कर दें। गेटवे ऐप टैली अकाउंट्स इन्फो के अंतर्गत ग्रुप लेजर्स, तो हमें लेजर क्रिएट करना है, हम लेजर्स पर जा करके यहाँ से एंटर करेंगे या फिर हम एल प्रेस कर दें। आप देख पा रहे हैं लेजर्स में सिंगल लेजर एंड मल्टीपल लेजर। सिंगल लेजर क्या है और मल्टीपल लेजर क्या है पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूं आप लोगों को, देखते हैं हम सिंगल लेजर में ही क्रिएट करके बताते हैं आपको। हम क्रिएट करके देखते हैं, यहाँ पर हम सी प्रेस करते हैं, हमारे सामने लेजर क्रिएशन विंडो आ गया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जीएसटी में जो टाइप्स हैं जीएसटी के, सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी, उसको मैं आज आप लोगों को सी जीएसटी, एस जीएसटी, हालांकि सी जीएसटी, एस जीएसटी इंट्रा स्टेट, इट मीन्स विद इन स्टेट अगर हम लेन देन करते हैं तो उसमें लगता है, और आई जीएसटी जो होता है वो इंटर स्टेट के लिए होता है, बट हम आपको तीनों लेजर बना करके बताएंगे कैसे हम लेजर को क्रिएट करते हैं। हम चलते हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं लेजर क्रिएशन विंडो में नेम पर हम है, यहाँ हम डालते हैं सी जी एस टी। सी जी एस टी को हम सेंट्रल जी एस टी भी कहते हैं। हम चाहें तो इसके साथ परसेंटेज, अगर हम देखना चाहते हैं कितना परसेंटेज है, किस परसेंटेज पर हम वर्क कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर दे सकते हैं। एंटर करके हम नीचे आते हैं, अंडर में हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस का चुनाव करते हैं, डी प्रेस कर देंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस आपके सामने ओपन होकर क्या जाएगा। कोई भी टैक्स का आप वर्क कर रहे हो, कोई भी आप टैक्स लेजर क्रिएट कर रहे हैं, तो ड्यूटीज एंड अंडर में ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही होगा, और ड्यूटीज एंड टैक्सेस करंट लाइबिलिटीज का सब ग्रुप है। टाइप ऑफ ड्यूटी और टैक्स में हम जीएसटी का चुनाव करते हैं, चूंकि हम जीएसटी यूज कर रहे हैं। सी जीएसटी क्या है, सेंट्रल टैक्स है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो टैक्स टाइप में हम क्या करते हैं, सेंट्रल टैक्स कर लेते हैं। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसका कोई यहां पर यूज नहीं, इसको नो रखते हैं। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, यदि हम चाहते हैं कि जो भी हम बाउचर करें उसमें हमारा जीएसटी का, जो सी जीएसटी हमने बनाया उसका परसेंट शो करे, तो हम यहां पर वो परसेंटेज डालते हैं, क्योंकि हमें 12% पर ही काम करना है, तो सी जीएसटी हम यहां पर 6% डाल दे रहे हैं, 6 हमने कर दिया 6%, क्योंकि आप जानते हैं 12% का सी जीएसटी और एस जीएसटी कितना होगा, 6% सी जीएसटी और 6% एस जीएसटी, इसको मैंने पिछली क्लासेस में बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है। यहां से हम नॉट एप्लीकेबल करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपने देखा सी जी एस टी का लेजर हमने क्रिएट कर लिया, सेम इसी तरीके से हम एस जी एस टी का भी लेजर क्रिएट कर लेते हैं। एंटर करते हैं, यहां पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी करेंगे हम यहां पर। टाइप ऑफ जीएसटी में आपका स्टेट टैक्स हो जाएगा। परसेंटेज में हमने, चूंकि परसेंटेज मैंने डाल दिया है, तो हम यहां पर भी परसेंटेज 6% कर देंगे, नॉट एप्लीकेबल करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। हम चलते हैं आईजीएसटी हम क्रिएट करते हैं। आईजीएसटी होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी एंटर करते आते हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस नीचे आ जाते हैं, जीएसटी कर देंगे। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में, टैक्स टाइप में हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स हो जाएगा, बिकॉज आईजीएसटी का फुल नेम होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हम यहां पर लिख देते हैं 12%, नॉट एप्लीकेबल करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। आपने देखा कि सी जी एस टी, एस जी एस टी और आई जी एस टी का लेजर हम कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम चलते हैं परचेज तथा सेल्स का लेजर क्रिएट करते हैं। यहां हमने डाल दिया परचेज, परचेज अकाउंट इंटर करते आएंगे। परचेज आप जानते हैं खरीद खाता है, तो परचेज का अंडर ग्रुप परचेज होता है। एंटर करके नीचे आते हैं, हमें आइटम डिटेल भरना है आइटम पर ही, चूंकि विदाउट आइटम पर ही आपका जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, तो गुड्स पर ही हमें लगाना है, इसलिए परचेज में इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड को हम यहाँ पर यस कर लेंगे। अंडर में मैंने परचेज अकाउंट डाला, इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड को हमने यस कर लिया। यहां पर टाइप ऑफ लेजर, तो इनवाइसिंग करें या फिर हम इसको नॉट एप्लीकेबल कर लें, इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। जीएसटी के अंतर्गत अगर हम परचेज बना रहे हैं तो ये स्टेटरी इंफॉर्मेशन भरना बहुत जरूरी होता है। यहां पर हम एप्लीकेबल कर लें, यहां पर भी आप देख पा रहे हैं सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, अगर हम यस करके यहां भी चाहे तो रेट फिक्स कर सकते हैं, बट हम यहां नहीं करते हैं। कारण क्या है उसमें, यहां अगर हम कर लेते हैं तो ये परचेज और सेल्स हम सिंगल रेट पर ही वर्क यूज कर पाएंगे,
इसलिए सेट अल्टर जीएसटी को हम यहाँ पर नो रखते हैं। हम जिस आइटम के अकॉर्डिंग ही रेट निर्धारित करते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज है, हम यहाँ पर गुड्स का चुनाव करते हैं। हम पहले आपको गुड्स पे कैसे जीएसटी कटता है वो बताएंगे, नेक्स्ट क्लासेस में आपको हम सर्विस पर कैसे जीएसटी कटता है वो बताएंगे, और आज की क्लास में हम केवल मास्टर क्रिएट करना बता रहे हैं, लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है जीएसटी से रिलेटेड। हमने यहाँ पर गुड्स चुन लिया, एंटर किया और एक्सेप्ट कर लिया। सेम इसी तरीके से आपका सेल्स का लेजर बन जाएगा, सेल्स अकाउंट एंटर करेंगे, सेल्स को सेल्स के अंडर में डालते हैं, इन्वेंट्री वैल्यूअर अफेक्टेड को हम यहाँ भी यस रखते हैं, टाइप ऑफ लेजर अभी हम नॉट एप्लीकेबल करके रखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्टेटरी इन्फॉर्मेशन इसमें भी आया, इस जीएसटी एप्लीकेबल में हमने एप्लीकेबल कर दिया, अलाउ कर दिया, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में हमने यहाँ भी नो रखा, टाइप ऑफ सप्लाई में हमने गुड्स कर दिया, इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको मैं जो बता रहा हूँ वो चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो वेरी केयरफुली आप क्लास को देखेंगे। अब हम चलते हैं पार्टी लेजर क्रिएट करते हैं। मान लीजिए हम अदर स्टेट से माल मंगवाते हैं, बीके टेलीकॉम हम बना लेते हैं, बीके टेलीकॉम अंडर में मान लीजिए हम इनसे माल खरीद रहे हैं, तो इनका हम सेंडरी क्रेडिटर डालेंगे, क्योंकि जिससे हम माल खरीदते हैं वो क्रेडिटर होता है, जिससे हम उधार माल खरीदते हैं। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को हम यस कर लेंगे, पीरियड अगर हमें देना तो हम यहाँ पर दें, नहीं तो हम बिल वाइज डिटेल के साथ मेंटेन करते हैं। इनका एड्रेस हम डाल देते हैं, मुंबई से है मान लीजिए, हम केवल मुंबई लिख दे रहे हैं, मुंबई हमने डाल दिया, पूरा एड्रेस आप डाल सकते हो यहाँ पर, इंडिया हो गया, स्टेट इनका हो गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ये हमारा इंटर स्टेट है, यहाँ पिन कोड जो होगा वो आप डाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट पर्सन का कंप्लीट डिटेल डाल सकते हैं आप, यहाँ जो भी ज़रूरत की फील्ड्स है उसको आप फिलअप कर सकते हैं, बिकॉज हम आपको एज एग्जांपल बता रहे हैं तो इसको आप फिल कर सकते हैं जब आप किसी से लेन देन करते हैं। पैन नंबर हम कुछ भी डाल दे रहे हैं, वीके करके है तो मैं ऐसे ही डाल दे रहा हूँ कुछ। पैन जो होता है आपका कुल 10 कैरेक्टर्स होते हैं उसमें, स्टार्टिंग से जो चौथा होता है अगर वहाँ पर सी है तो वो कॉरपोरेट है, अगर वहाँ पर पी है तो वो पर्सनल होता है। इसके बाद 4 डिजिट्स होती हैं, कोई भी अंक हो गया आपका यहाँ पर, फिर हम इसमें एक कैरेक्टर यूज़ कर लेते हैं, ये आपका पैन है, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर हो गया, जीएसटी वगैरह अगर आपके पास है इनका तो आप उसको डालें, अन्यथा आप इसको यहाँ पर न डालें। अगर से जीएसटी हमने डाल दिया, सेट अल्टर जीएसटी को हम यहाँ यस करना चाहें यस करें, रेगुलर है ही है, हमने जो डाला हुआ है एक्सेप्ट करते हुए हम बाहर आ जाए, यस हो गया, एक्सेप्ट कर लिया। आपने देखा कि हमने नेम में वीके टेलीकॉम डाला, अंडर में सेंडरी क्रेडिटर कर दिया जो कि करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत का ग्रुप है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस किया, यहाँ पर हमने उनका मेलिंग डिटेल डाला, यहाँ पर स्टेट डालना बहुत जरूरी है अगर हम इंटर स्टेट वर्क कर रहे हैं तो, यहाँ पर हमने स्टेट डाल दिया और यहाँ पर उनका मैंने टैक्स डिटेल डाल दिया, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट एक और बना लेते हैं, एक पार्टी लेजर बना लेते हैं सेंडरी डेटर का, सुमित मोबाइल सेंटर मैंने डाल दिया यहाँ पर, एंटर करते हैं, हमने यहाँ करा सेंडरी डेटर, सेंडरी डेटर्स कर दिया, सेंडरी डेटर्स करेंट एसेट्स का सब ग्रुप है, बिकॉज हम जिसको माल सेल करते हैं उसके पास मेरी संपत्ति जाती है तो वो करेंट एसेट्स होता है। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस करते हैं, हमने पीछे लेजर्स कैसे हम क्रिएट करते हैं हमने कम्प्लीटली उसमें बताया हुआ है, यहाँ से एंटर करते हम आते हैं सुमित मोबाइल सेंटर, ये यहाँ हम विद इन स्टेट वर्क करेंगे तो हमने यहाँ इनको उत्तर प्रदेश में ही डाल दिया, इनका पिन कोड डाल दिया, इस कोई भी पिन कोड डाल दिया, यहाँ पर इनका कंप्लीट डिटेल हम भरेंगे, एक्सेप्ट करते हुए आएंगे, इनका भी पैन कार्ड अगर अवेलेबल है तो डालें, अन्यथा कस्टमर्स के लिए कोई इशू नहीं है कि वो जीएसटी रजिस्टर्ड है या नहीं है, उससे हमको कोई इशू नहीं है, हम यहाँ से एंटर करते हुए एक्सेप्ट करते बाहर आ जाते हैं। चाहे तो हम इस टैक्स रजिस्ट्रेशन को भी मेंटेन कर सकते थे। तो आपने देखा कि हम पार्टी लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, इंटर स्टेट के लिए कैसे करते हैं और इंट्रा स्टेट के लिए कैसे करते हैं। हम बैक करके आ जाते हैं,
आपने देखा जीएसटी से रिलेटेड लेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं, सी जीएसटी का लेजर हम कैसे बनाते हैं, एसजीएसटी का लेजर हम कैसे बनाते हैं, आईजीएसटी का लेजर हम कैसे बनाते हैं, तथा परचेज सेल्स जीएसटी के अंतर्गत हम कैसे लेजर क्रिएट करते हैं, पार्टी लेजर हम कैसे बनाते हैं, सारा कुछ आपने देखा। हम चलते हैं लेजर्स को चेक करना चाहते हैं तो हम अकाउंट्स इन्फो पर जाएंगे, लेजर्स पर ही जाएंगे, डिस्प्ले पर जाएंगे और आप देख पा रहे हैं सारे लेजर्स हमारे सामने उपलब्ध हैं। बैक करके अगर इसे मल्टीपल में हम देखना चाहते हैं विथ अंडर ग्रुप तो हम यहाँ से डिस्प्ले करेंगे और आल कर देंगे तो सारे लेजर्स विद ग्रुप आपको शो कर जाएंगे, अंडर हेड के साथ शो कर जाएंगे। चलिए हम बैक करके आते हैं। आपने देखा कि हमने जीएसटी से रिलेटेड लेजर्स कैसे क्रिएट किया। मैं आशा करता हूँ कि आपको जीएसटी से रिलेटेड लेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं समझ में आया होगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखें, प्रॉब्लम ना सॉल्व हो तो आप कमेंट करें, उससे रिलेटेड आपकी जो क्वेरी होगी उसका मैं सॉल्व करूंगा कमेंट के माध्यम से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो तो अभी कर लें। आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।